हेलो एवरीवन, वेलकम टू फार्मारोक्स यूट्यूब चैनल। फार्मारोक्स के यूट्यूब एजुकेशनल चैनल में आपका स्वागत है। सो इन टुडेज वीडियो लेक्चर वी विल स्टडी इन डिटेल अबाउट द बेसिक यूज ऑफ ड्रग्स एंड देयर क्लासिफिकेशन। सो जो हमारे लेक्चर सीरीज चालू है कि रिगार्डिंग स्पेशली कि जो हम स्टडी करते हैं कि बेसिक यूज ओके ऑफ वेरियस मेडिसिन, और उनका हम डिटेल में देखते हैं क्लासिफिकेशन। सो उसी सीरीज के जो लेक्चर है उसके अंदर आज हम डिस्कस करेंगे पार्ट 8 वीडियो लेक्चर में रिगार्डिंग द मेडिसिन्स यूज्ड टू ट्रीट द अस्थमा। सो शुरू करते हैं आज के लेक्चर के अंदर। सो बी अपडेटेड विद द फार्मा नॉलेज, फॉर दैट सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस ऑन द बेल आइकॉन एंड नेवर मिस एनी वीडियो ऑफ फार्मारोक्स। सो फार्मारोक्स के जो लेटेस्ट वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड ऑल्सो प्रेस ऑन द बेल आइकॉन एंड नेवर मिस एनी वीडियो ऑफ फार्मारोक्स। फार्मारोक्स के जो वीडियो लेक्चर्स होते हैं, हमारे पीपीटीज होते हैं, पीडीएफ्स होते हैं, वो डायरेक्टली आपको अब मिल जाएंगे फार्मारोक्स की ऐप ऊपर से। सो फार्मारोक्स की ऐप ऊपर आपको रैपिड रिविजन नोट्स मिल जाएंगे इन अफोर्डेबल प्राइस विथ प्रॉपर सॉल्यूशन एंड एक्सप्लेनेशन। So this facility available on our app Farmarox Android application on Google Play। मोबाइल ऐप पर ही आपको मिल जाएंगी टेस्ट सीरीज की जिसके अंदर टॉपिक वाइज टेस्ट हम आपको दे रहे हैं विद प्रॉपर सॉल्यूशन एंड एक्सप्लेनेशन। टेस्ट सीरीज में आपको प्रॉपर मिलेगा ये रिजल्ट एनालिसिस, इंस्टेंट टेस्ट रिजल्ट एंड यू विल ऑल्सो गेट योर रैंक बेस्ड ऑन योर परफॉर्मेंस। की यहाँ पे हम जो देख रहे हैं कि इंस्टीट्यूट रैंक जो है वो जनरेट होता है, इंस्टीट्यूट रैंक, तो वो आपको मिलेगा आफ्टर कंप्लीशन ऑफ योर टेस्ट। सो दिस फैसिलिटी अवेलेबल ऑन एप फार्मारोक्स एंड्रॉइड एप्लीकेशन ऑन गूगल प्ले। सो व्हाट वी लर्न इन दिस पार्ट 8, तो पार्ट 8 के अंदर स्पेशली हम ब्रोंकियल अस्थमा के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। सो ब्रोंकियल अस्थमा के अंदर जो बेसिक मेडिसिन यूज होती है कि लाइक ब्रोंकोडायलेटर्स हम यूज करते हैं, ल्यूकोट्राइन एंटागोनिस्ट यूज होती है, मास्ट सेल स्टेबिलाईजर्स, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स एंड एंटी आईजी एंटीबॉडी की जो स्पेशली हम कह सकते हैं मोनोक्लोनल एंटीबॉडी टाइप की ड्रग्स। कौन सी? मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज। तो ये जो मेडिसिन स्पेशली हम यूज करते हैं टू ट्रीट अस्थमा की, अस्थमा की जो कंडीशन होती है जिसके अंदर स्पेशली जो हमारी ब्रोंकाइज होती है उनका हो जाता है कंस्ट्रिक्शन। के आगे हम देखते हैं डायग्राम के अंदर कि ब्रोंकियल अस्थमा इज ए मेडिकल कंडीशन विच कोज एयरवे पाथ ऑफ लंग्स टू स्वेल एंड नैरो। कि जो हमारा एयरवे पाथ है लंग्स का ओके, वो क्या हो जाता है? स्वेलो ओके, स्वेलिंग होता है, उसको हम दूसरे वर्ड में कह सकते हैं इन्फ्लामेशन होता है। कि वहां पे क्या होता है? एक तरीके से इन्फ्लामेशन होता है और साथ में जो नैरो वर्ड है वो इसके कारण कि इन्फ्लामेशन के कारण ये यहाँ पे आप देख सकते हो कि इन्फ्लामेशन एंड स्वेलिंग, जिसके कारण ये जो ब्लड वेसल्स है ओके, फिर स्मूथ मसल्स है वगैरह क्या हो जाते हैं? कंस्ट्रिक्ट हो जाते हैं, स्वेलो हो जाता है एंड जिसके कारण ये जो पाथवे कैसा बन जाता है कंप्लीटली नैरो ओके। तो नैरो पाथवे हो जाने के कारण प्रॉपर जो है वो एयर वहां से पास नहीं हो सकती। कि यहाँ पे हम देख सकते हैं जो नॉर्मल एयरवेज है जिसमें से कि स्मूथ मसल्स भी प्रॉपर काम कर रहे हैं, ऑल्सो द ब्लड वेसल्स एंड म्यूकस लाइनिंग भी यहाँ पे प्रॉपर है। जबकि यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये येलो कलर का जो म्यूकस है नॉर्मल एयरवे के कंपैरिजन में, यहाँ पे ये जो म्यूकस है ओके, एक्सेसिव म्यूकस हम देख सकते हैं यहाँ पे येलो कलर का, प्लस इन्फ्लामेशन एंड स्वेलिंग भी देख सकते हैं। ये जो रेड जो हम देख रहे हैं ओके, ये क्या हुआ है? इन्फ्लामेशन एंड स्वेलिंग। उसके बाद ब्लड वेसल इन्फ्लेटेड बाय इम्यून सेल और कॉन्ट्रैक्ट स्मूथ मसल की, ये जो स्मूथ मसल्स है उनका भी हो गया है कॉन्ट्रैक्शन। तो जिसके कारण क्या हो जाती है जो ब्रोंकाइज है उनका हो जाता है कंस्ट्रिक्शन, की जिसको हम ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन भी कहते हैं, और उसको ट्रीट करने के लिए हम यूज करते हैं वेरियस ब्रोंकोडायलेटर्स। सो ड्यू टू दिस स्वेलिंग द एयर पाथ प्रोड्यूस द एक्सेस म्यूकस मेकिंग इट हार्ड टू ब्रीथ विच रिजल्ट इन कॉफिंग, short breath and wheezing. This disease is a chronic and interface with daily working. कि जो भी पेशेंट को अस्थमा होता है तो उसका जो रूटीन वर्क होता है वो काफी अफेक्ट होता है, बिकॉज अस्थमा के अंदर ब्रीथिंग में काफी डिफिकल्टी होती है, जिसके कारण जो कहते हैं कि हम सांस लेने में काफी तकलीफ होती है, पर्सन को ब्रीथिंग में तकलीफ होती है। एंड जब भी कोई एक्सरसाइज करता है, वॉकिंग करता है, तो उस वक्त ये कंडीशन काफी जो है वो सीवियर हो जाती है। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जो नॉर्मल एयरवे है कि जिसका म्यूकस के अंदर कोई टाइटनिंग नहीं है, नॉर्मल एयरवे लाइंसिंग हम यहाँ पे हम देख सकते हैं। बट जब अस्थमा होता है पेशेंट को तो उसके अंदर ये म्यूकस काफी टाइट हो जाता है। ओके, एक्सेसिव म्यूकस जो है वो यहाँ पे एक्यूमुलेट होता है। हम देख सकते हैं कि जो येलो कलर का है, ओके, येलो कलर का ये जो म्यूकस है वो काफी यहाँ पे देख सकते हैं हम, जबकि नॉर्मल के अंदर म्यूकस जो है वो बहुत ही कम अमाउंट में है या फिर वहां पे एब्सेंट है। एयरवे स्वॉलन लाइनिंग एंड इट इज बिकम रेड, जबकि यहाँ पे लाइनिंग एकदम नॉर्मल है, परफेक्ट है, कि जिससे ब्रीथिंग जो है वो एकदम इजीली हो रही है, जबकि यहाँ पे ब्रीथिंग के अंदर क्या हो रहा है, पेशेंट को डिफिकल्टीज हो रही है, काफी डिफिकल्टी होती है इन्हें ब्रीथिंग। तो इसी कंडीशन को ट्रीट करने के लिए हम अलग अलग एंटी अस्थमेटिक ड्रग्स यूज करते हैं टू ट्रीट द अस्थमा। तो इस तरह से जब नॉर्मल एयरवे पास होती है हमारे ब्रोंकाइज में से, ओके, तो ये है प्राइमरी ब्रोंकाइज, ब्रोंकियल ट्यूब्स। यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे हो रहा है ये ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन हुआ है, ओके, ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन, कि जिसके कारण पेशेंट को काफी डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ती है, इन स्पेशली इन्हें ब्रीथिंग के अंदर पर्सन को काफी डिफिकल्टी जो है वो फेस करता है। सो drugs used to treat asthma in that first it is a bronchodilators because condition क्या होती है कि broncho constriction हो जाता है, okay, जो हमारी bronchi होती है, okay, उसका क्या हो जाता है, constriction हो जाता है। तो उसको dilate करने के लिए हम bronchodilators को use करते हैं, और उसके अंदर फेमस जो है वो है बीटा सिंपेथोमाइमेटिक्स के अंदर ड्रग साल्ब्यूटामोल, काफी फेमस ड्रग साल्ब्यूटामोल, ओके, सालों से यूज हो रही है अस्थमा के ट्रीटमेंट के अंदर, कि जो अस्थमेटिक पंप यूज होता है ये, ओके, अस्थमा का पंप कहा जाता है सिंपल लैंग्वेज के अंदर, और दूसरे वर्ड्स में कहे तो वो है इनहेलर, ओके, वो है इनहेलर। की इनहेलर भी कैसा है, एमडीआई, ओके, कि जिसको हम मीटर डोज इनहेलर्स कहते हैं, कि जो प्रॉपर स्पेसिफिक जो डोज है वो पेशेंट को जो है वो डिलीवर करते हैं, कि जब भी इस टाइप के डिफिकल्टी पेशेंट फेस करता है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जो पंप को यूज करके, इनहेलर को यूज करके जो है वो पेशेंट जो है वो अस्थमेटिक अटैक को अच्छे से क्या करता है, रिलीफ करता है, ओके, इट गेट द रिलीफ by using this type of asthmatic pump. So उसके अंदर जो ड्रग्स है दूसरी के टर्ब्यूटालिन का भी अस्थमेटिक पंप अवेलेबल होता है, या फिर साल्ब्यूटामोल के साथ वो कॉम्बिनेशन के अंदर यूज होता है, ओके, साल्ब्यूटामोल प्लस टर्ब्यूटालिन कॉम्बिनेशंस भी अवेलेबल है। फिर बैम्ब्यूटारोल, साल्मेटेरोल, फॉर्मोटेरोल, इफेड्राइन एंड स्पेशली साल्ब्यूटामोल, ये इसके अंदर काफी फेमस ड्रग है, कि जो सालों से यूज होती आ रही है टू ट्रीट अस्थमा। तो ये हो गए ब्रोंकोडायलेटर्स के अंदर बीटा टू सिंपेथोमाइमेटिक्स। इसी का और आगे हम देखते हैं डिटेल क्लासिफिकेशन, की जो एग्जामिनेशंस के अंदर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के लिए आपके लिए बनेगा मोस्ट आईएमपी। तो मोस्ट आईएमपी हम देखते हैं यहाँ पे। तो शुरू करते हैं सबसे पहले बीटा टू एगोनिस्ट की जो है लॉन्ग एक्टिंग, उनकी एग्जाम्पल है साल्मेटेरोल, फॉर्मोटेरोल, आर्फोमोटेरोल, कार्मोटेरोल, ओलोडेटेरोल एंड इंडाटेरोल। तो ये जो है वो लॉन्ग एक्टिंग है। ओके, अब उसका ही जो दूसरा क्लास है वो है शॉर्ट एक्टिंग की, जिसके अंदर साल्ब्यूटामोल, टर्ब्यूटालिन, लेवाल्ब्यूटेरॉल, पिरब्यूटेरॉल, आइसोइथारिन, बिटोलटेरॉल, फेनोटेरॉल एंड प्रोकेटेरॉल। तो ये मोस्टली जो शॉर्ट एक्टिंग ड्रग्स का ये लिस्ट आपको अच्छे से याद रखना है कि जो आपके लिए बनेगा मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन। ओके, कि जो अलग अलग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की एग्जामिनेशंस के अंदर ये टॉपिक में से क्वेश्चंस जो है वो हर बार एग्जाम्स के अंदर पूछे गए हैं। तो अपकमिंग एग्जाम में भी यहाँ से एमसीक्यू जो है वह रिपीट होने का चांसेस है। तो अच्छे से ये क्लासिफिकेशन आपको प्रिपेयर करना है रिगार्डिंग द drug used to treat asthma which act as a short acting beta 2 agonist as a bronchodilator। ओके, तो ये हो गई शॉर्ट एक्टिंग वाली ड्रग्स, और लॉन्ग एक्टिंग में आपको ये वाला टाइप्स याद रखना है। आगे बढ़ते हैं कि जो ब्रोंकोडाइलेटर्स के अंदर ही मिथाइल क्सेंथिन्स डेरिवेटिव्स हैं कि जो अस्थमा की ट्रीटमेंट के अंदर हम यूज करते हैं। सो वो है थियोफाइलिन, एमिनोफाइलिन, कोलाइन थियोफाइलोनेट, हाइड्रोक्सीइथाइल थियोफाइलिन, डॉक्सोफाइलिन एंड थियोफाइलिन इथेनोलेट पाइपराजिन। तो यहाँ पे आपने कॉमन देखा होगा फाइलिन। ओके, सभी के स्पेलिंग्स में आप देख सकते हो फाइलिन इज वन ऑफ द कॉमन, फाइलिन या फिर फाइलिनेट। ओके, थियोफाइलिन या आप यहाँ पे देख सकते हैं। ओके, तो जितनी भी ड्रग्स है फाइलिन वाली वो सब है मिथाइल क्सेंथिन डेरिवेटिव। तो एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि आइडेंटिफाई द मिथाइल क्सेंथिन डेरिवेटिव्स व्हिच आर यूज्ड टू ट्रीट अस्थमा। ओके, अस्थमा के ट्रीटमेंट के अंदर जो हम मिथाइल क्सेंथिन डेरिवेटिव्स को यूज करते हैं कि थियोफाइलिन की जो सस्टेन रिलीज टैबलेट्स अवेलेबल है मार्केट के अंदर ब्रोंकोडाइलेटर्स का काम करती है। फिर एमिनोफाइलिन की जिसको इंजेक्शन जो है वो अवेलेबल है। नेक्स्ट है ब्रोंकोडाइलेटर्स के अंदर वो है एंटीकोलिनर्जिक्स की दो ड्रग है उसके अंदर, वो है इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड एंड टायोट्रोपियम ब्रोमाइड। ओके, यहाँ पे दोनों देख सकते हैं हम, टायोट्रोपियम एंड इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड। उसका डिटेल जानते हैं हम कि इट इज यूज बाय इनहेलर और नेबुलाइजर टू ट्रीट अस्थमा क्रोनिक अटैक, कि जब अस्थमा का क्रोनिक अटैक होता है तो यहाँ पे हम देख सकते हैं उनके ये इनहेलर्स। ओके, दोनों के इनहेलर्स जो है वो अवेलेबल है मार्केट के अंदर कि टायोट्रोपियम एंड इप्राट्रोपियम, दोनों में ट्रोपियम ब्रोमाइड कॉमन है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इन स्पेलिंग ट्रोपियम ब्रोमाइड इट इज ए कॉमन एंड यूज बाय इनहेलर और नेबुलाइजर। तो ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इनहेलेशन में ही ये यूज की जाती होती है ये मेडिसिन, और क्रोनिक अटैक जब होता है अस्थमा का किसी पेशेंट को तो ये इनहेलर की जिसको हम मीटर डोज इनहेलर्स कहते हैं उसको यूज करके पेशेंट की हम अच्छे से ट्रीटमेंट करते हैं। नेक्स्ट है वो है ल्यूकोट्राइन एंटागोनिस्ट जिसके अंदर मोंटेल्यूकास्ट, जाफिरलुकास्ट एंड प्रानलुकास्ट की ये जो ल्यूकास्ट वाली ड्रग है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ल्यूकास्ट इज कॉमन। ओके, तीनों का आप स्पेलिंग देखो, ल्यूकास्ट इज द कॉमन की जो है ल्यूकोट्राइन एंटागोनिस्ट की मोंटेल्यूकास्ट उसके अंदर काफी फेमस है जिसकी सस्टेन रिलीज, कंट्रोल रिलीज, डिले एक्शन, डिले रिलीज एंड फिल्म कोटेड टैबलेट्स जो है वो अवेलेबल है टू ट्रीट अस्थमा, और वो ल्यूकोट्राइन एंटागोनिस्ट के तौर पे काम करता है। उसी के अंदर दूसरा है वो आपको याद रखना है वो है 5-lipoxygenase inhibitors की जिसके अंदर जेल्यूटन, हाइपरिकम, पर एटम, ये दोनों मेडिसिन है और जिसके अंदर जेल्यूटन की एक्सटेंडेड रिलीज ओके या फिर डिले रिलीज टेबलेट हम कह सकते हैं वो यूज होती है टू ट्रीट अस्थमा। और कीप दिस एंड ऑल ड्रग्स आउट ऑफ रीच ऑफ चिल्ड्रंस, मतलब कि काफी प्रिकॉशंस के साथ यूज की जाती है और कीप अवे फ्रॉम द चिल्ड्रंस। नेक्स्ट है कि मास्ट सेल स्टेबिलाईजर्स हम यूज करते हैं टू ट्रीट अस्थमा टू प्रिवेंट डिग्रेन्युलेशन ऑफ मास्ट सेल बाय ट्रिगर स्टिम्युली, कि जब कोई स्टिम्युली या फिर कोई एक्सटर्नल स्टिम्युली के कारण जब डिग्रेन्युलेशन होता है मास्ट सेल का, वो प्रिवेंट करने के लिए हम मास्ट सेल स्टेबिलाईजर्स ड्रग यूज करते हैं, जिसके अंदर स्पेशल ये प्रोफाइलैक्सिस ऑफ ब्रोंकियल अस्थमा के अंदर हम यूज करते हैं। एंड दीज आर गिवन बाय इनहेलेशन रूट, और उनकी जो मेडिसिन है सोडियम क्रोमोग्लाइकेट, कीटोटिफेन, मिथाइलक्सांथिन्स एंड निडोक्रोमिल, कि जिसके अंदर प्रीवियस एग्जाम्स के अंदर सोडियम क्रोमोग्लाइकेट, कीटोटिफेन एंड निडोक्रोमिल जो है वो प्रीवियस एग्जामिनेशंस के अंदर इसमें से क्वेश्चंस जो है वो पूछे गए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि दोनों के इनहेलर्स ओके अवेलेबल है। सनोफी की जो प्रोडक्ट है इंटाल CFC फ्री इनहेलर 5 mg प्रेशराइज इनहेलेशन सस्पेंशन एंड सोडियम क्रोमोग्लाइकेट यहाँ पे देख सकते हैं। और यहाँ पे खास इंस्ट्रक्शन लिखी है फॉर इनहेलेशन यूज और 112 इनहेलेशंस ओके, तो उनके प्रॉपर मीटर डोज भी यहाँ पे लिखे हुए हैं। आगे जो क्लास है वो है IgE एक्शन, इम्यूनोग्लोबुलिन एक्शन को इनहिबिट्स करने वाली ड्रग, ड्रग इनहिबिटिंग IgE एक्शन की जो है ओमाली जुमेब मोनोक्लोनल एंटीबॉडी अगेंस्ट IgE ओके। और नोवार्टिस का ये काफी फेमस प्रोडक्ट है कि ग्जोलेर ओमालिजुमेब फॉर सबक्यूटेनियस यूज और सिंगल यूज वायल ये रहेगा ये ओके, ये जो वायल है वो रहेगा सिंगल यूज ओके, सिंगल यूज रहेगा और उसका जो डोज है वो है 150 mg। इट इज इंडिकेटेड टू प्रिवेंट द अटैक ऑफ ब्रोंकियल अस्थमा इन पेशेंट डू नॉट रिस्पॉन्डिंग टू कॉम्बिनेशन ऑफ लॉन्ग एक्टिंग बीटा 2 एगोनिस्ट एंड हाई डोज ऑफ इनहेलेशन स्टेरॉइड, की जो इनहेलेशन है वो समझो कि उसके लिए पेशेंट रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है या फिर बीटा 2 एगोनिस्ट, तो उस वक्त हम सबक्यूटेनियस रूट से ये मेडिसिन एडमिनिस्ट्रेट करके पेशेंट की ट्रीटमेंट करेंगे। आगे है कि जो ड्रग यूज टू ट्रीट अस्थमा की जिसके अंदर कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स सिस्टेमिक की जो हाइड्रोकॉर्टिसोन एंड प्रेडनिसोन की जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स क्लास की ड्रग है, ये जो सिस्टेमेटिकली यूज होती है हाइड्रोकॉर्टिसोन 10 mg के स्ट्रेंथ के अंदर और ये 20 mg स्ट्रेंथ के अंदर भी वो अवेलेबल है, कि जो हाइसोन करके उसका ब्रांड नेम है हाइड्रोकॉर्टिसोन और यहाँ पे रॉसेल सनोफी की ये प्रोडक्ट है और स्पेशली ओरल यूज के लिए है। देन प्रेडनिसोलोन की जो टैबलेट्स ओरल यूज के लिए अवेलेबल है प्रेडनिसोलोन डिस्पर्सिबल टैबलेट्स। कॉर्टिकोस्टेरॉइड में सेकंड है वो है इनहेलेशंस कि जिसके अंदर बैक्लोमिथासोन डाइप्रोपियोनेट यहाँ पे हम देख सकते हैं उनका इनहेलर कि जो मीटर डोज इनहेलर है, स्पेशली इनहेलेशन पे ये मेडिसिन दी जाती है। बुडेरसोनाइड, फ्लूटिकासोन प्रोपियोनेट यहाँ पे देख सकते हैं कि फ्लूटिकासोन प्रोपियोनेट एक्यूहेलर विथ साल्मेटेरॉल की जो कॉम्बिनेशन है ग्लेएसके की वो प्रोडक्ट है। फोनिसोलाइड एंड सिक्लेसोनाइड भी उसके अंदर यूज होते हैं एज अ इनहेलेशन कॉर्टिकोस्टेरॉइड यूज टू ट्रीट अस्थमा। आगे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है ड्रग ऑफ चॉइस कि जिसको हम कहते हैं डीओसी ओके या फिर फर्स्ट चॉइस ड्रग, कौन सी फर्स्ट चॉइस ड्रग। तो शुरू करते हैं सबसे पहले एक्यूट अटैक के अंदर, अस्थमा का जब किसी पेशेंट को एक्यूट अटैक होता है तो उसके अंदर ड्रग ऑफ चॉइस जो है वो है साल्ब्यूटामोल उसके बाद सेकंड acute attack in pregnancy also the salbutamol, acute attack during the labor तो आप इप्राट्रोपियम से पेशेंट की ट्रीटमेंट करेंगे। acute attack in patient on beta blockers तो आप उस वक्त यूज करोगे इप्राट्रोपियम की थेरेपी। प्रोफाइलैक्सिस के अंदर हम कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स को यूज करेंगे। फिर एक्सरसाइज इंड्यूस अस्थमा के अंदर एक्यूट अटैक में साल्बुटामोल, प्रोफाइलैक्सिस में कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स एंड एस्पिरिन इंड्यूस अस्थमा के अंदर एक्यूट अटैक में साल्बुटामोल एंड प्रोफाइलैक्सिस में हम कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स यूज करेंगे। सो मैसेज टू ज्वाइन अवर व्हाट्सएप ग्रुप, सेंड योर नेम, सिटी नेम एंड व्हाट्सएप इट टू 9426180836 to join Farmarox WhatsApp groups. So thank you friends for watching this video. Share the video, subscribe the channel and press on the bell icon. Be updated with the pharma knowledge. For that must subscribe the channel. जो हमारे lectures होते हैं उसकी PPT, PDFs वगैरह डायरेक्टली अब आपको Farmarox की ऐप ऊपर मिल जाएंगे। So download the app Farmarox Android application on Google Play.